नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, ये मैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर के वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इधर कुछ दिनों से मेरे पास कुछ ईमेल्स भी आ रहे थे और लोगों के कुछ क्वेरीज भी आ रहे थे इस व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, और उसमें से कुछ लेडीज भी थी, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बच्चों को लेकर के अगर कोई ऐसा स्टॉक्स हो जो कि 4 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको यूज़ करना पड़े, अगर मेरे घर में लड़की है तो अगर बच्चियों की शादी में अगर मुझे यूज़ करना हो पैसों को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझे स्टॉक आप बताइए। तो आज मैंने उनको जवाब तो खैर दे दिया, मगर मुझे लगा कि इसके ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे और भी लोग हों जिनके मन में भी ये प्रश्न हो, तो उनको भी जो है वो इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी स्टॉक में अगर हम एंट्री ले रहे हैं, तो जो स्टॉक है वो कम से कम फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। कोई ऑपरेटर वाला स्टॉक नहीं होना चाहिए, लोअर सर्किट और अपर सर्किट वाला स्टॉक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पैसा लगाया और कल जो है वो पैसा पूरा का पूरा मेरा डूब गया। दूसरी बात है कि मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसके अंदर अगर लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगता है, तो इस बात का आप ख्याल रखिए और आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि उसके अंदर अगर लोअर सर्किट लगा है तो क्या रीज़न है और अपर सर्किट लगा है तो क्या रीज़न है, क्योंकि उस हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। और अगर आपको अपर सर्किट लगने के पीछे कोई भी रीज़न पता नहीं चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ऑपरेटर्स ने जो है इसके अंदर गेम खेला हुआ है और ऑपरेटर ही इस स्टॉक को लेकर के ऊपर जा रहे हैं। बिना वजह जो स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है उसमें ऑपरेटर का भी हाथ होता है। तो जब हम बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई भी स्टॉक को जब हम चुनते हैं, तो हमें इन सब स्टॉक्स के से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। और हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, नहीं तो हम इधर उधर ये वो स्क्रैप कूड़ा कचरा यही सब स्टॉक हम खरीदते रह जाएंगे। आपको मैं छोटा सा जोक सुनाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए मगर आप लोग इन्जॉय करेंगे। कि एक आदमी था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को उसने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया और दवा का जो पर्चा होता है वो दवाई का पर्चा दिखा के बोला कि डॉक्टर साहब, आपने जो ऊपर में सबसे ऊपर में टॉप में जो मेडिसिन लिखी है, कौन सी मेडिसिन है, ये मेडिसिन मुझे कहीं मिली ही नहीं, ये दवा मुझे किसी भी फार्मिस्ट के यहाँ केमिस्ट के यहाँ नहीं मिली। तो डॉक्टर ने कहा, अरे नहीं 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 ये तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिखा, मैं जस्ट मेरा पेन जो था वो चल रहा है नहीं चल रहा है उसको मैं ऐसे ही पेपर पे घसीट करके आड़े तिरछे लाइन लिख करके मैं बस चेक कर रहा था कि मेरा पेपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरा पेन चल रहा है या पेन नहीं चल रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने तो बस पेन घसीट करके ये देख लिया कि चल रहा है पेन या नहीं चल रहा है, इसके चक्कर में मुझे कितनी परेशानी हुई, मैं इसे दवा समझ के मैं कितने केमिस्ट शॉप पे गया और वहाँ एक केमिस्ट ने कहा कि नहीं ये दवा तो स्टॉक में है ही नहीं, दूसरे केमिस्ट ने कहा कि अरे यार ये दवा की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगी, किसी तीसरे ने मुझे बोला कि ऐसा है कि ये तो कोरोना की दवा है यार, कोरोना हो गया क्या किसी को, और एक केमिस्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये दवा तो मेरी खत्म, ये दवा तो है नहीं, ये दवा तो खत्म हो गई, हाँ इसकी सब्स्टिट्यूट है कहो तो मैं सब्स्टिट्यूट दे दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी चीज़ की जानकारी ना हो अच्छे से, तो हम क्या करते हैं कि हम कोई गलत स्टॉक चुन लेते हैं या किसी गलत स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपने इस 5 स्टॉक्स के बारे में कि बच्चों के लिए कौन सा स्टॉक लिया जाए, क्योंकि जैसे हम बच्चों के लिए पॉलिसी भी लेते हैं तो आपको पता है कि अगर हम LIC की पॉलिसी लेते हैं तो मनी बैक पॉलिसी है, जीवन तरुण पॉलिसी है, जीवन किशोर पॉलिसी है, तो उसी तरीके से बच्चों के लिए भी स्टॉक्स अलग होने चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। तो जो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्राइडेंट का। इसमें मैंने ध्यान रखा है कि चूंकि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी 5 साल या 10 साल के बाद, तो जो शेयर है वो सस्ता होना चाहिए। हम कोई MRF लेकर के 75,000 और 80,000 का शेयर अगर अभी उसमें इन्वेस्ट करें, इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, भैया हम तो खुद ही करोड़पति हैं तभी MRF जैसा शेयर ले रहे हैं। अगर हम इन्फोसिस खरीद लें और हम अगर TCS खरीद लें
तो भी इसका मतलब है कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 3000 का शेयर अगर हम अभी ले रहे हैं बच्चों के लिए, इसका मतलब है कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, बस हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रही है। तो बच्चों के लिए जब भी आप करते हैं तो क्या करना है कि आपको थोड़ा सा पैसा, जो सस्ता शेयर हो, कम पैसे का शेयर हो, उसमें इन्वेस्ट करना है। मगर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्टॉक है आने वाले 5 साल 10 साल में आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइडेंट का। आपको पता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो है ये ट्राइडेंट ग्रुप की एक कंपनी है और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है यार्न का, बात लेनन का, बेड लेनन का और वीट स्ट्रॉ वेस्ट पेपर का। वीट स्ट्रॉ वेस्ट पेपर क्या होता है, वो जो आपका गेहूं का जो जो छिलका होता है, खाल जो होता है, ये उससे पेपर बनाते हैं, और केमिकल और जो है सो कैप्टिव पावर में भी ये डील करती है। ठीक है, तो अब इसके जो रेवेन्यू आता है वो यार्न से जो है वो इनका 26% रेवेन्यू आता है, होम टेक्सटाइल से इनका 54% रेवेन्यू आता है, और पेपर से इनका 20% रेवेन्यू आ जाता है। और जो भी केमिकल है, केमिकल में भी अभी ये पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी इनका काम भी अच्छा चल रहा है। तो ये आइए अब इसके बाद हम आते हैं, इसका कुछ देख लें आपको फिनेंशियल। तो फिनेंशियल आप देखेंगे तो ये 16 रुपये 80 पैसे का शेयर है, यानी कि ये सस्ता शेयर है। इसको अभी आप लगा दें और 5 साल और 10 साल के बाद ये शेयर आपको बहुत अच्छे खासे दाम में, मतलब यहाँ से समझिए कि कम से कम 4 गुना 5 गुना जो है ये तो यहाँ से दे सकता है, 4 5 साल के बाद मिनिमम मेरा 5 साल का जो है सो विजन है। स्टॉक पी की बात करें तो ये 26 का स्टॉक पी पे दे रहा है, बुक वैल्यू इसका 6 रुपया 53 पैसा है, हाई इसने 19 रुपया 40 पैसा का बनाया है, फेस वैल्यू इसका 1 रुपया है, और इसके अंदर रिजर्व देखेंगे तो 2819 करोड़ का रिजर्व है, और कैश फ्लो इसका 175 करोड़ का कैश फ्लो है, और डेप्थ इसके पास 1515 करोड़ का है, तो डेप टू इक्विटी निकल के आता है 0.46। अच्छा, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि आरओसी और आरओई जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 10 से अगर ऊपर का हो तो अच्छा माना जाता है। सरकारी कंपनी में हम डेप को और आरओ इन सब चीज़ों को उतना कम देखते हैं, क्योंकि वो तो जो है वो सरकारी कंपनी में वो सब कुछ सरकार देख लेती है, क्या डेप है क्या नहीं है, तो जो शेयर होल्डर है उनको बहुत ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आरओसी है वो 10.2% है, आरओई 10.3% है, तो ये भी बहुत अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 26.2 है, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर ईपीएस इसका 60 पैसे का है। अब आपको मैं दिखाऊं कि ये देखिए 1 महीने का चार्ट है, तो आप देख रहे हैं 1 महीने में ये शेयर यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि एक ये शेयर कितना था, 13 रुपया 45 पैसा था, वहां से ये 18 रुपया 40 पैसा तक गया, अभी ये जो है सो आया है आपका करीब करीब, अभी आपको मैंने दिखाया आज का प्राइस 16 रुपये 80 पैसा। इसके पीयर ग्रुप की कंपनी की बात करें तो आप पीयर ग्रुप देख रहे हैं, वेल्सपन इंडिया है, गारवारे टेक्निक ये टेक है, उसके बाद फिर रेमंड है, ये सारे इसके पीयर ग्रुप की कंपनी है। इसके अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देखिए मार्च में आपको पता है कोरोना में सबका सेल्स डाउन हुआ था, उसके बाद जो है जून जून में डाउन था 709 करोड़, सितंबर में 1174 करोड़, दिसंबर में 1303 करोड़ और मार्च में 1345 करोड़। तो आप ये देखेंगे तो इनका जो है सो सेल बढ़ता चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो जून में 113 करोड़, सितंबर में बढ़ के 230 करोड़ हो गया, दिसंबर में 242 करोड़ हो गया और अभी 247 करोड़ हो गया, 237 करोड़ है। इसका मतलब है कि इन्होंने जो है इसको मेंटेन रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी आप देखेंगे 16%, 20%, 19%, 18%, यानी 18 से 20 के बीच में इन्होंने इसको भी मेंटेन रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इस कंपनी में और भी अच्छी दिखाऊँ, इसका अगर आप रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 223 करोड़ था, वहां से बढ़ते बढ़ते आप ये देखिए ये आ गया आपका मार्च में, मार्च 18 में 2228 करोड़ था, 19 मार्च 19 में 2475 करोड़, और मार्च 20 में 2523 करोड़, और मार्च 2021 में 2819 करोड़। क्या शानदार इसने अपना जो है सो रिजर्व बनाया है। बोरोइंग की बात करेंगे तो मार्च में मैं अगर 2018 की बात करूँ तो आप ये देखिए 2018 में से मैं पिछले 3 4 साल का ही ले रहा हूँ, 2798 करोड़ का बोरोइंग था, घट के 2436 करोड़ का हुआ, वहां से घट के 1984 करोड़ का हुआ, वहां से भी घट के 1515 करोड़ का हुआ, यानी कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग घट रहा है, इनका सेल्स रेवेन्यू वगैरह बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। उसके बाद अगर हम FII की बात करें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जहां जून 2018 में 67% हुआ करता था, 67.78, वो अब बढ़कर के 73% हो गया है, यानी आप देखिए सितंबर में इनका जो सितंबर क्या जून में और ऐसे भी देखिए मार्च में भी, इनका मार्च में 71.06 था, जून में 71.07 हुआ, सितंबर में 71.84 हुआ,
और उसके बाद फिर दिसंबर में 73.02% हुआ। यानी कि देखिए प्रमोटर्स ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो एफआईआई है एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, देखिए 1.60, 1.61, 1.68%। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है, पब्लिक का होल्डिंग जो है वो कम हुआ है, आप देखिए 25%, 22.48 और यहाँ 22.40 देख रहे हैं आप। अदर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो मिला जुला करके इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। अभी ये शेयर जो है वो आपको 16.80 रुपये पर मिल रहा है। तो ये शेयर जो है अभी आप देखिए, आपको हो सकता है अगर ये 15 रुपये के आसपास अगर ये शेयर मिले तो ये एक अच्छा बाई हो सकता है। तो आप ये बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके आप 5 से 10 साल के लिए आंख बंद करके इस शेयर को लिया जा सकता है, मेरा ये कहना है। अब दूसरे शेयर की बात करते हैं, तो बात है यस बैंक का। यस बैंक आपको पता है कि ये जो है सो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, मगर अभी इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे बैंक देख मिल करके इसका मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक लीडिंग बैंक है और मैनेजमेंट में, और वो जो है सो मोस्टली स्टेक भी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। और आप इनका देखेंगे तो इनका तो अभी जो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इनका जो है सो एनपीए हो गया है यस बैंक का, इसी कारण ये जो शेयर है वो ये आपको 13.30 रुपये पे अवेलेबल है आज का जो प्राइस है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो डीआई की जो होल्डिंग है वो 46% की होल्डिंग है और एफआई की होल्डिंग जो है सो 13% की होल्डिंग है। तो इसके अंदर जो है सो कर्ज है इस कंपनी पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है बैंक वो इसका जो है सो काफ़ी ज़्यादा एनपीए हो गया था और काफ़ी पैसे इसके बर्बाद हो गए थे, और इन्होंने जो डेप्ट दिया था वो काफ़ी पैसा इनका डूब गया था, आप रिलायंस कम्युनिकेशन वगैरह में भी इनका पैसा डूबा हुआ है। तो आप इनके पास देखेंगे धीरे धीरे कंपनी जो है वो अपनी स्थिति संभाल रही है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा इनका जो इनकी जो स्थिति है वो फ्लैट रही है, थोड़ा सा कम ही रहा है एनपीए ज़्यादा होने की वजह से, चूंकि आपको पता है कि बैंक में इस बार जो कोविड के कारण जो गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि इस बार जो इंटरेस्ट वगैरह है जिसको मोरेटोरियम बोलते हैं, तो उसके कारण भी बैंक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और सारे बैंकों पर असर पड़ा है। और अगर हम इसको देखें तो इस बार इनका जो है वो कम आया है, ये थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा अगर करूँ एक मिनट तो आपको मैं दिखा दूँ, ये अगर यहाँ पे देखो, हाँ ये देखिए, ये अगर मैं दिखाऊँ मार्च का तो 3988 करोड़ ये इनका इस बार का रेवेन्यू है, जो कि पिछले बार 5321 करोड़ था, तो इस बार इनका रेवेन्यू जो है वो कम आया है। अब हम आइए आगे जो है इसमें और कुछ, इसका फंडामेंटल्स जो है अभी धीरे सुधर रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, मगर एक चीज़ मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में इस बैंक को जो है वो बोराइंग में देखिए इस बैंक का कमी हो रहा है, देखिए 335 ये जो है ये 3,35,000 करोड़ से घट करके 2,19,000 करोड़ मार्च में हुआ था, अभी और भी इनका जो है सो कम हुआ है बोरोइंग, तो इनका बोरोइंग जो है वो कम हो रहा है। और इस यस बैंक को ये जो यस बैंक है तो अभी इनको आप जो इनका बैलेंस शीट वगैरह इम्प्रूव होगा, और ये काफ़ी जो है सो इस बैंक के अंदर मैनेजमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यस बैंक को फिर से इसके पुराने उसी जो है पोजीशन में पहुंचा दिया जाए जिस पोजीशन में पहले ये थी। तो अभी जो है यस बैंक अभी 12-13 रुपये पे आपको अवेलेबल है, 5 या 10 साल में इसके अंदर आपको टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। मैं चूंकि बहुत छोटा स्टॉक लेकर के आया हूँ, मतलब कम पैसे का स्टॉक लेकर के आया हूँ, और मैं ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको 5 से 10 साल का अगर आप जो विजन रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न देगा, तो इसलिए जो है मैंने यस बैंक को यहाँ पर चुना है। दूसरा जो है मेरी सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई है, रेल विकास निगम, ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम करती है, देखिए लिखा हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये जो रेलवे लाइन वगैरह है उस पर भी नया लाइन वगैरह जो होता है उसको नया लाइन को बिछाती है, गॉज कन्वर्जन करती है, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह का भी काम होता है, रेलवे का ब्रिज वगैरह भी बनाती है, वर्कशॉप वगैरह भी, तो इसके अंदर जो है ये एक तरीके से रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इसके अंदर सरकारी कंपनी है, तो इसमें जो है सो डेप्थ आपको मिलेगा 4,792 करोड़ का, लेकिन इसमें रिजर्व भी है 2,360 करोड़ का, फ्री कैश फ्लो इसका नेगेटिव में है, मगर इसका अगर आप देखेंगे तो ROC 11 का है और ROE 15 का है। तो ये जो रेलवे की कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है, अभी आपको ये शेयर जो है ये 29.60 रुपये पे अवेलेबल है, अगर इसमें भी आप 5 से 10 साल का अगर व्यू लेकर के चलते हैं तो ये भी आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी आगे चल करके जो है ये साबित होगी। तो अभी इनका रिजल्ट नहीं आया है मार्च का,
तो अगर इनका हम सेल्स की बात करें तो आप ये देखिए, मार्च 2020 में इनका 4,221 था, जून में इनका डाउन हुआ, कोविड में सबका डाउन हुआ था 2,911, मगर सितंबर में इन्होंने रिकवर किया 3,183 करोड़, और दिसंबर में इन्होंने और भी रिकवर किया 3,732 करोड़। उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च में 208 करोड़ था, जून में 139 करोड़ कोविड के कारण, उसके बाद इन्होंने बढ़ा के किया 165 करोड़ सितंबर में, और दिसंबर में इन्होंने किया 220 करोड़। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, 5 से 6% के बीच में इन्होंने जो है सो इसको मेंटेन करके रखा है। इसकी अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप ये देखिए, प्रमोटर के पास 78% का इक्विटी है, और उसके बाद FII के पास न के बराबर है, 0.5% का है, और DII के पास देखेंगे तो 9% का है, 9.5% का है, और पब्लिक के पास 11% का है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रेलवे की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो इसके अंदर बहुत अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है। तो मेरा तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो है रेल विकास निगम। चौथे की हम बात करें, वो भी रेलवे से जुड़ा हुआ है, वो है IRFC यानी इंडियन रेलवे फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये काम का क्या करती है, ये रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम जो होता है उसको ये फिनांस करती है। तो ये जो कंपनी है देखिए, इसका मार्केट कैप जो है 30,188 करोड़ का है, चूंकि बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अंदर डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, 2,34,377 करोड़, गवर्नमेंट की कंपनी है, डेप्थ नहीं सोचना है। रिजर्व इनके पास जो है वो रिजर्व इनके पास है 19,082 करोड़ का, और इनका भी कैश फ्लो निगेटिव में है, मगर इनका ROIC देखेंगे तो वो 5.93% का है, ROE जो है इनका वो 13.2% का है, यानी ROE भी बहुत अच्छा है। EPS इनका 3.11 रुपये का है, और अभी जो है ये देखिए स्टॉक, देखिए ये स्टॉक जो है ये इसने एक महीने में अच्छा खासा इसने बूम दिखाया है, और हम अगर इनके जो है सो ये इनका भी जो है कहाँ चला गया, हाँ ये अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर इनका, तो आप ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका अभी जो है प्रमोटर के पास 86% है, FII के पास 1.5% है, DII के पास 4% और पब्लिक के पास 8% है। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी IRFC अभी आपको बहुत सस्ते, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे स्टॉक आपको अभी बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, और ये बच्चों के लिए इनसे बढ़िया स्टॉक और कोई दूसरा आपका नहीं हो सकता इस रेट पे। बाकी ऊंचे रेट पे तो आप HFCL ले लीजिए, सुवेक्स ले लीजिए, CG पावर ले लीजिए, वो सब 80-90 रुपये के स्टॉक हैं। HFCL 40 रुपये के आसपास का स्टॉक है, और जो पांचवा स्टॉक है ये IDFC फर्स्ट बैंक है। इसके बारे में सबको पता है क्योंकि इसमें लोग यही बोलते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो आने वाले समय में HDFC फर्स्ट बैंक है, तो सॉरी HDFC बैंक होने जा रहा है, और IDFC फर्स्ट बैंक का जो कासा है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। कासा मतलब CASA मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो दिन पर दिन काफी बढ़ रहा है, और आप लोगों को पता है कि इसके जो चीफ हैं वो मिस्टर वी वैद्यनाथन हैं, और मिस्टर वी वैद्यनाथन पहले ICICI बैंक में रिटेल के हेड हुआ करते थे। उन्होंने ICICI बैंक का क्या काया पलट किया आप लोगों को पता है, उसके बाद उन्होंने कैपिटल फर्स्ट का चार्ज संभाला, उसका जो है सो वो वेंचर स्टार्ट किया, और कैपिटल फर्स्ट को भी उन्होंने बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया, और अब IDFC फर्स्ट बैंक उनके सुपरविजन में ही काम कर रहा है। तो ये बैंक भी जो है वो समझिए कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जो है सो ये आपको रिटर्न देगी। एक महीने का इसका देखें तो देखिए इसका भी ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, और इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू देखिए जून से बढ़ा है, जून में 3,831, सितंबर में 3,801 करोड़, दिसंबर में 4,101 करोड़, और मार्च में 3,993 करोड़, यानी इन्होंने लगभग लगभग अपने रेवेन्यू को मेंटेन रखा है, और अपने जो है सो एक्सपेंस वगैरह को भी इन्होंने मेंटेन रखा है। तो ये बैंक भी जो है वो दिन पर दिन इनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज खुल रहे हैं, और इसमें जो है अब मिस्टर वी वैद्यनाथन वो क्या कर रहे हैं, पहले ये कॉरपोरेट लोन की तरफ थे, अब कॉरपोरेट लोन से हट करके ये रिटेल लोन की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है कि HDFC बैंक जो है वो इसीलिए जो बैंक नंबर वन बैंक मानी जाती है क्योंकि HDFC ने रिटेल लोन ज़्यादा दिया है, उनमें कॉरपोरेट लोन जो है वो नहीं है, ना के बराबर है, और वही हाल है इनका IDFC फर्स्ट बैंक का, कि अब ये क्या कर रहे हैं, कंपनी का जो प्रोफाइल है जो लोन का उसको ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं रिटेल लोन की तरफ। और इसके अंदर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप ये देखिए, प्रमोटर के पास जो है वो लगभग 40% का है, FII के पास 11-12% का है, DII के पास 11-12% का, मतलब FII के पास 12% और DII के पास 11% होने का मतलब है कि FII और DII काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं इस स्टॉक में।
गवर्नमेंट के पास भी इसका स्टॉक है 4.5% के आसपास, और पब्लिक के पास 32% के आसपास इसका जो है सो स्टॉक है। तो ये जो मेरा पांचवा जो रिकमेंडेशन है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो पहला जो मेरा रिकमेंडेशन था वो था ट्राइडेंट लिमिटेड, दूसरा मैंने बताया यस बैंक, तीसरा मैंने बताया रेल विकास निगम लिमिटेड, चौथा मैंने बताया इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और पांचवा मैंने बताया IDFC फर्स्ट बैंक। अगर इन पांच बैंक में मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आता है कि इसके अंदर अगर बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रख करके अगर अभी से इन्वेस्ट किया जाए, कम से कम 5 साल का व्यू रख करके, 5 से 10 साल के बीच का अगर हम व्यू रखें, तो हमें इन पांचों स्टॉक में FD से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं या तो LIC लेते हैं या FD लेते हैं, तो इससे LIC से या FD से बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा, और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है बच्चों के लिए। तो ये जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा, वो मैंने आपके साथ अपनी जानकारी जो को साझा किया। बाकी आप भी अपने तरफ से जो है एक्सप्लोर कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा कि ये पांचों स्टॉक जो है वो बच्चों के लिए कैसे रहेंगे, और अपने स्टडी करने के बाद, या अगर आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, तो उनका भी एडवाइस लीजिए, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि बच्चों के लिए ये पाँच स्टॉक्स कैसे रहेंगे। और मुझे तो ये पाँचों स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, और इसमें मैं आपको कोई खरीदने की या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मेरा जो ईमेल आईडी है चैनल का वो है stk.learning@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। धन्यवाद।